जोहार दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ कुमार ग्राम ब्लॉक के संकोच चाय बागान में। संकोच चाय बागान कुमार ग्राम द्वारका इंडिया भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है। और अभी आप जो रास्ता देख रहे हैं, इस तरफ से लोग भूटान की ओर एंट्री करते हैं। तो जी, आज मैं कुछ अलग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमेशा हम लोग आप लोगों के सामने समस्या और समस्या का समाधान की वीडियोस लेके आते हैं। आज मैं कुछ अपने बारे में बताने आई हूँ, अपने एरियाज के बारे में, कहाँ मैं रहती हूँ और कैसे जगह में रहती हूँ। मैं कुमार ग्राम ब्लॉक के कुलकली हट के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ 150 साल पहले ब्रिटिश राज कर चुका था। और इस यहाँ की खासियत ये है कि 150 साल पहले ब्रिटिश का एस्टेब्लिश किया गया मार्केट आज भी चलता है। और यहाँ पे खजना बॉयकॉट भी हो चुका था। और ये मार्केट कुमार ग्राम द्वार का ही नहीं बल्कि भूटान का भी मेन मार्केट है। और मेरे घर से भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर 15 मिनट की दूरी पर है और आसाम 25 मिनट की दूरी पर। तो जी हाँ, मैं दो बॉर्डर एरियाज में रहती हूँ। हम सभी को पता है कि इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंडली है और ये आपस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रिलेशनशिप भी रखते हैं। वैसे ही कुमार ग्राम द्वार और कालीखोला भूटान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं दोनों आपस में। तो जैसे हमें भूटान से आलू, इलायची, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिलता है और कुमार ग्राम द्वार से उनको कपड़े, जूते, हरे सब्जियां और बहुत सी चीज़ों पे वो निर्भर रहते हैं। क्योंकि कोविड-19 के वजह से पूरे देश की हालात ख़राब थे। और वहीं 22 मार्च 2020 को भूटान का गेट भी बंद कर दिया गया था और 2.5 साल बाद 23 सितंबर भूटान का गेट वापस खोल दिया गया। तो जब भूटान का गेट बंद था तब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं अभी मोबाइल का दुकान करता हूँ और पहले मैं भूटान में वर्कर था, घर बनाने का जो लेबर होता है उसमें काम करता था। इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप पहले बीच में कुछ ख़राब हुआ था, अभी फिर ठीक है। जैसे कि पहले भूटान में ज़्यादा इंडियंस को रोज़गारी मिलती थी, उसके बाद में जब से कोरोना आया उसके बाद में लॉकडाउन की वजह से फिर रोज़गार मिलना बंद हो गया। तो उसके बाद में जैसे हम लोग का पास वैलिडिटी ख़त्म हुआ, उसके बाद क्वारंटाइन करके हम लोग वापस इंडिया आ गए। अब जो है पहले से इंडियन कस्टम और भूटान कस्टम ने मिलके अगर आपको कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना हो तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है। उसके बाद में आपको अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे भूटान में एक्सपोर्ट होते हैं घर बनाने का सामान, एग्रीकल्चर का, खाना पीना का, तो उन सब के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसके पास से वही सामान दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जिसको जो चाहिए वो खुद आके अपने हिसाब से ले जाते थे। बॉर्डर एरिया पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे कि पहले छुप चुपके से इधर उधर के रास्ते से इलीगल चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था। अभी उसमें जो यहाँ के BSF के जवान से हैं, उसके बाद में जो SSB सब है, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वहाँ से अभी कुछ भी सामान आसानी से नहीं ला सकते हैं या फिर कोई इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। हालात लॉकडाउन के बाद से काफ़ी अच्छा है, अच्छा देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कुछ दिन बाद इससे भी अच्छा हो जाए, यहाँ के जितने जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन लोगों के पास लाइसेंस हो जाएगा तो उन लोग भी अच्छा अपना जो भी सामान है वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे कि हमारे लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पे जो संडे के दिन एक मार्केट लगता था कुमार ग्राम द्वार का, तो उस टाइम में भूटान से लोग आते थे लॉकडाउन के पहले, तो वहाँ के जो व्यापारी हैं वो बारहबिस्सा, अलीपुर द्वार, बाहर बाहर से आते थे, यहाँ पे व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, तो उन लोग का घर द्वार अच्छे से चलता था। उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, भूटान से लोग आना बंद हो गए, उसके बाद में यहाँ का जो मार्केट एकदम ठप पड़ेगा, बिक्री बट्टा नहीं है, उसके बाद में लोगों को सब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद में कोई सूरत बस अपना रोजी रोटी चलाने लगे। उसके बाद में जैसे ही भूटान का लॉकडाउन खुला, उसके बाद में सितंबर 2022 को भूटान गेट खुला, उसके बाद में वहाँ पे जो है वहाँ से जब लोग आने शुरू हुए तो उस हिसाब से अभी मार्केट बहुत ही अच्छा डेवलप किया है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा डेवलप होने के बाद अभी भूटान के सारे लोग आ रहे हैं, जैसे उन्हें मार्केटिंग करना हुआ तो वो पहले जैसा ही है और उससे भी अच्छा है अभी का सिचुएशन। तो होप और कुछ दिन बाद इससे भी अच्छा हो। जैसे कि आपने सुना, अभी लोगों के जीवन में थोड़ी सी सुधार आ रही है और लोग अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से। तो ऐसे ही अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पूजा ठाकुर आलिपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट से, कुमारग्राम ब्लॉक के कुलकुली हाट से, इंडिया अनहट के लिए धन्यवाद।